ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिन 12 मार्च 2018, फ्लाइट 211, 67 पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरा। इस प्लेन को बस कुछ ही दूर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू जाना था, पर अफसोस ये प्लेन सही सलामत वहाँ पहुँच नहीं पाया। स्क्रीन पर आप एक छोटी सी बच्ची को देख सकते हैं, नाम है प्रीथुला रसीद, और आगे जाके यही छोटी सी बच्ची यूएस बंगला एयरलाइन की पहली लेडी पायलट बनी। इनके पास 390 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था और ये फ्लाइट काठमांडू की पहली फ्लाइट भी थी, पर किसे पता था ये पहली फ्लाइट उसके लिए आखिरी फ्लाइट बन के रह जाएगा। फ्लाइट 211 में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और करीब 2 घंटे बाद ये प्लेन काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए तैयार हो गया। पायलट ने प्लेन को 13,000 फीट तक ले आया। आमतौर पर ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर काफी ट्रैफिक होती है, इसीलिए अक्सर प्लेन को होल्डिंग करने के लिए कहा जाता है। पायलट ने ATC से संपर्क किया। ATC ने प्लेन को रनवे 02 पर लैंडिंग करने की इजाजत दे दिया। उस दिन कोई भी ट्रैफिक नहीं था, इसलिए फ्लाइट 211 को होल्डिंग करने के लिए नहीं कहा गया। धीरे धीरे एल्टीट्यूड कम हो रहा था, प्लेन एयरपोर्ट के और भी नजदीक आ रहा था, पर अचानक ये प्लेन रनवे 02 की तरफ जाने के बजाय ये लेफ्ट की ओर मुड़ गया। दरअसल यहाँ प्लेन के ऑटो पायलट ने प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दिया था। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या ऑटो पायलट में कोई खराबी आ गई थी या उसे गलत प्रोग्राम किया गया था? पायलट के पास इन सवालों के जवाब खोजने का वक्त नहीं था। प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। पायलट ने तुरंत ही प्लेन का कमांड अपने हाथों में ले लिया। पायलट ने प्लेन के ऑटो पायलट को डिसंगेज कर दिया और मैन्युअली ही प्लेन को लैंडिंग कराने लगा। इसी दौरान पायलट लैंडिंग गियर को डाउन करना भूल गया। अब क्योंकि ऑटो पायलट और FMS यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम डिसंगेज हो चुका था, इसीलिए पायलट को खुद ही प्लेन के रेट ऑफ डिसेंट यानी कि नीचे आने के दर को मेंटेन करना था, पर अफसोस ऐसा हो न सका। दोस्तों, प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए ग्लाइड स्लोप के बीच में ही लैंडिंग कराना होता है, जबकि फ्लाइट 211 इस ग्लाइड स्लोप से 500 फीट अधिक ऊपर था, जिसकी वजह से प्लेन किसी भी हालत में रनवे के स्टार्टिंग में लैंड कराना बहुत मुश्किल था। पायलट कुछ समझ पाता उससे पहले एक अलार्म बजने लगा। ये लैंडिंग गियर का अलार्म था जो कि अब भी क्लोज था। पायलट ने तुरंत ही लैंडिंग गियर को डाउन किया और प्लेन को लगभग 45 डिग्री के एंगल में लैंड कराने लगा। इतना ही नहीं, पायलट एक और बड़ी गलती कर चुका था जिसका अंदाजा अब तक पायलट को नहीं लगा था, पर ATC को ये समझ में आ गया और तुरंत ही उसने पायलट से संपर्क किया और कहा कि आपको रनवे 02 पर जाना चाहिए था, लेकिन आप रनवे 20 पर जा रहे हैं। प्लेन रनवे से अब सिर्फ 50 फीट के ऊंचाई पर था और तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। अब रनवे 02 की तरफ जाने का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। पायलट ने रनवे 20 पर टचडाउन किया, पर करीब रनवे के बीचों बीच प्लेन रनवे 02 पर ही लैंड कर गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्लेन रनवे पर लैंड तो किया, लेकिन रनवे के बीचों बीच यानी कि पायलट के पास प्लेन को रोकने के लिए सिर्फ आधा रनवे था, और देखते ही देखते ये रनवे भी खत्म हो गया, पर प्लेन अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पायलट लगातार ब्रेक्स अप्लाई कर रहा था, पर रनवे के आखिर में जाने के बाद भी प्लेन रुका नहीं और फिसलता हुआ प्लेन रनवे से बाहर चला गया। करीब 300 मीटर दूर जाके प्लेन एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन से टकरा गया। इस टक्कर से प्लेन के फ्यूल में आग लग गई और प्लेन के अंदर धुआं भरने लगा। हालांकि रेस्क्यू टीम कुछ ही मिनट्स में पहुंच गया, पर फिर भी इस घटना में 51 लोगों की जान चली गई और 20 लोगों की जान बच गई। इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था? क्यों लैंडिंग के वक्त प्लेन अपने आप ही मुड़ गया? क्यों प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को गलत डायरेक्शन में ले गया? दोस्तों, इस घटना में सवाल तो बहुत सारे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस केस स्टडी में, क्योंकि आज हम इस केस की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पायलट को क्या करना चाहिए अगर वो ऐसे सिचुएशंस में फंस जाए। दोस्तों, इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं घटना के बस कुछ ही देर पहले से, जब ये प्लेन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए 13,000 फीट के एल्टीट्यूड में आ गया। और देखा जाए तो पायलट को यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ।
पायलट को लगा कि यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता है, इसीलिए उसे होल्ड करने के लिए कहा जाएगा जब तक कि कोई खाली रनवे ना मिल जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। एटीसी ने पायलट को रनवे 02 पर लैंडिंग करने की इजाजत दे दिया। अब यहाँ पर पायलट को एक छोटा सा काम करना था। FMS यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में रनवे के हेडिंग 02 को टाइप करके बताना था कि हम रनवे 02 पर लैंड करने वाले हैं। पर पायलट ने FMS को रिकन्फिग्रेशन नहीं किया। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें बेसिकली कुछ कमांड्स डाले जाते हैं इन बटन्स की मदद से, और इन्हीं कमांड्स को फॉलो करता है ऑटो पायलट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इस प्लेन को फ्लाई करना है A से B तक और फिर B से C तक। इसके लिए आपको FMS में टाइप करके ये बताना होता है कि एयरपोर्ट A से टेक ऑफ करके इतने स्पीड में इतने एल्टीट्यूड में जाना है और फिर राइट की ओर मुड़ जाना है। इसके बाद एयरपोर्ट B से होते हुए C तक जाना है। इस दौरान प्लेन का एल्टीट्यूड क्या रहेगा, इसका भी सेटिंग्स किया जा सकता है, और इस तरह से ये प्लेन एयरपोर्ट सी तक पहुंच जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये खुद ही किसी रनवे में लैंड कर जाएगा या फिर ये सी एयरपोर्ट में होल्ड कर जाएगा? दोस्तों, FMS में सारे प्रोग्राम्स टेक ऑफ के वक्त ही यानी कि एयरपोर्ट A में ही डाल दिया जाता है। लेकिन FMS में ये नहीं डाला जाता कि प्लेन जब एयरपोर्ट के आसपास पहुंचेगा तो वो कौन से रनवे पर लैंड करेगा। इसीलिए FMS को ये पता नहीं होता कि प्लेन को कौन से रनवे पर लैंड कराना है, क्योंकि उसे बस इतना ही पता है कि एयरपोर्ट के पास इतने एल्टीट्यूड पर जाना है। पायलट अगर रनवे के हेडिंग को टाइप करता है तो ठीक है, नहीं तो ये प्लेन ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगा। होल्ड करने का अर्थ ये है कि प्लेन एयरपोर्ट के चारों ओर घूमता रहेगा और बस घूमता ही रहेगा। अगर पायलट कुछ भी नहीं करता है तो ये प्लेन हमेशा के लिए एयरपोर्ट के चारों ओर बस घूमता ही रहेगा जब तक कि फ्यूल खत्म ना हो जाए, और फ्यूल खत्म हो जाने के बाद ये कहीं क्रैश हो जाएगा। अगर पायलट को रनवे 02 पर लैंडिंग करने की परमिशन मिल जाता है तो सिंपली वो FMS में रनवे के हेडिंग को पुट कर देगा। ऐसे में फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम ये समझ जाएगा कि अब गोल गोल घूमने का वक्त खत्म हो गया, अब रनवे 02 पर लैंडिंग करने का वक्त आ गया। इसके बाद ऑटो पायलट जरूरत के हिसाब से प्लेन के एटीट्यूड को धीरे धीरे कम करता है। सो आई होप FMS और ऑटो पायलट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वापस आते हैं सीधे फ्लाइट 211 के पास। पायलट को ये लगा कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे काफी ट्रैफिक होगा, इसीलिए ATC भी उन्हें होल्ड करने के लिए कहेगा। लेकिन कोई भी ट्रैफिक नहीं था और ATC ने ये साफ साफ कह दिया कि आप रनवे 02 पर लैंड कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले बात किया कि जब पायलट को ये पता चल जाता है कि उसे कौन से रनवे पर लैंड करना है, तब वो FMS में उस रनवे के नंबर को टाइप कर देता है। लेकिन फ्लाइट 211 के पायलट ने ऐसा नहीं किया। इट मींस पायलट के दिमाग में ये था कि हम रनवे 02 पर लैंड करने जा रहे हैं, जबकि ऑटो पायलट के दिमाग में ये था कि हमें रनवे के चारों ओर घूमना है, और इसीलिए ऑटो पायलट ने प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दिया। इसके बाद पायलट ने तुरंत ही प्लेन के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया और मैन्युअली ही फ्लाई करने लगा। अब यहाँ पर FMS और ऑटो पायलट डिसएंगेज हो चुका था, क्योंकि पायलट मैन्युअली ही प्लेन को लैंड कराने वाला था। अगर आपने कभी नेपाल विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कि ये एरिया पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। ऐसे में बिना ऑटो पायलट, बिना फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेन को नीचे लाना पायलट के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। पर फिर भी पायलट ने कोशिश किया प्लेन को नीचे लाने की। दोस्तों, हर प्लेन में लैंडिंग चेकलिस्ट होता है और लैंडिंग के दौरान पायलट इस चेकलिस्ट को फॉलो करता है। प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करना है, इसे भी लैंडिंग चेकलिस्ट में मेंशन किया जाता है। अब क्योंकि प्लेन बहुत नीचे आ चुका था, इसीलिए पायलट के पास अब वक्त नहीं था कि वो शुरू से इस चेकलिस्ट को फॉलो करे। इसीलिए लैंडिंग गियर के ओपन करने के प्रोसेस के बाद से वो चेकलिस्ट को फॉलो करना शुरू करता है। लैंडिंग के दौरान लैंडिंग गियर को ओपन भी करना पड़ता है, पर इस प्रोसेस को स्किप करके पायलट आगे बढ़ गया, या ये भी कह सकते हैं कि पायलट लैंडिंग गियर को डाउन करना भूल गया। दोस्तों, जब एक प्लेन रनवे के नजदीक आ जाता है और प्लेन का लैंडिंग गियर क्लोज रहता है तो GPUS यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म बजने लगता है।
लैंडिंग गियर। और ठीक ऐसे ही फ्लाइट 211 के साथ भी हुआ। प्लेन एयरपोर्ट के बहुत नजदीक आ चुका था। पायलट पहले से ही काफी कंफ्यूज था और फिर अचानक एक अलार्म बजने लगा। तब पायलट को पता चला कि लैंडिंग गियर तो क्लोज है। फिर तुरंत ही उसने लैंडिंग गियर को डाउन किया। दोस्तों फ्लाइट 211 रनवे के पास तो आ चुका था, लेकिन अब भी ये ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर था, यानी कि प्लेन अब भी डेंजर जोन में था। पायलट लगातार प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करने में लगा हुआ था। उनके लिए एक एक सेकेंड काफी कीमती था। ऊपर से ये अलार्म बजने लगा, जिससे कि पायलट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। खैर, उन्होंने लैंडिंग गियर को समय रहते डाउन कर दिया, लेकिन फिर से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। एटीसी ने पायलट को रनवे 02 पर लैंड करने के लिए कहा था, जबकि पायलट प्लेन को रनवे 02 की तरफ ले गया। एटीसी ने तुरंत ही पायलट से कॉन्टेक्ट किया और रनवे को कन्फर्म करने के लिए कहा, और फिर से पायलट का अटेंशन दूसरी ओर चला गया। खैर, पायलट ने रनवे 20 पर लैंड करने की इजाजत मांगा, और किस्मत अच्छा था कि रनवे 20 और 02 दोनों ही रनवे खाली था। पर पायलट सबको हैंडल करते करते रनवे के काफी आगे चला गया और करीब रनवे के बीचों बीच लैंड किया, जिसकी वजह से प्लेन सही समय पर रुक नहीं पाया और ब्रेक्स अप्लाई करने के बावजूद भी प्लेन फिसलता हुआ 300 मीटर दूर एयरपोर्ट के बाउंड्री लाइन में जाके टकरा गया। दोस्तों, क्या इस घटना को रोका जा सकता था? अगर हाँ तो कैसे? कैसे इस तरह की घटनाओं को होने से पहले पायलट टाल सकता है? दोस्तों, पायलट की पहली गलती ये थी कि उन्होंने रनवे के हेडिंग को FMS में रिकन्फिग्रेशन नहीं किया और ऑटो पायलट को डिसइंगेज कर दिया। दूसरी और सबसे बड़ी गलती कि ये ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर था, जिसकी वजह से ये रनवे के स्टार्टिंग में लैंड नहीं कर पाया। तीसरी गलती, वो कंफ्यूज हो गया कि रनवे 02 पर लैंड करना है या फिर 20 पर। चौथी गलती, वो लैंडिंग गियर को डाउन करना ही भूल गया। दोस्तों, इन सारी बड़ी बड़ी गलतियों को देखकर हम ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पायलट 80% कंफ्यूजन में ही था, और खासकर ऐसे एयरपोर्ट्स में जो कि पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है, ऐसे जगहों पर जरा से भी कंफ्यूजन प्लेन को क्रैश कराने के लिए काफी होता है। इसीलिए पायलट्स को जरा से भी कंफ्यूजन होने पर तुरंत ही लैंडिंग प्रोसेस को रोक देना चाहिए और उसी वक्त सेफ जोन की तरफ मुड़ जाना चाहिए और फिर से लैंडिंग करने का प्रयास करना चाहिए। खास करके हांगकांग, बीजिंग, सैन फ्रांसिस्को, नेपाल जैसे कंट्रीज जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। सेफ जोन उस डायरेक्शन को कहा जाता है जिस डायरेक्शन में समुद्र हो या कोई भी ऊंचा मकान, टावर या पहाड़ पर्वत ना हो। ऐसी जगह जहां से प्लेन आसानी से गुजर जाए। US बंगला के साथ जो भी हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। आई होप आने वाले कल में पायलट ऐसे घटनाओं से सीखेंगे और हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित बनाने में अपना योगदान देंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही।